वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद बद्दी ईओ को मिला और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्षद सुरजीत चौधरी ने बताया कि बार बार सूचित करने के बावजूद भी ना तो सीवरेज की समस्या ठीक हुई और ना ही गंदगी से लोगों को निजात मिली है। जब भी सीवरेज को लेकर नगर परिषद को सूचना दी जाती है तो वे जल शक्ति बोर्ड के जेई को संपर्क करने के लिए कहते हैं, मगर जेई अपना कभी फोन नहीं उठाता है। फेज 3 में अमरावती की सड़क 3 सालों में 3 बार बन चुकी है, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में वो बार बार खराब हो रही है। चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जिताने के लिए आनन फानन में लगभग 5 करोड़ के कार्य करवाए गए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। नगर परिषद को उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया है, अगर ये समस्या दूर नहीं होती है तो वे मजबूरन फेज 3 के चौक पर धरने पर बैठ जाएंगे, जरूरत पड़ने पर चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद बद्दी की होगी। वहीं परिषद के साथ आए हाउसिंग बोर्ड फेज 1 और 2 के रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान संजीव कौशल ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में पिछले कई समय से पेयजल की समस्या है, लेकिन यहाँ पर कोई इसे दूर नहीं कर रहा है। लोगों ने अपने जीवन की कमाई से यहाँ पर मकान बनाए हैं, पर नगर परिषद द्वारा सुविधाएं ना देने के चलते अब वे अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उधर ईओ अजमेर सिंह ने बताया कि सीवरेज सफाई और सड़क के सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बरसात के चलते काम रुके हुए हैं। जल शक्ति विभाग को सीवरेज लाइन खोलने को कहा गया है, अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। अमरावती सड़क को ठेकेदार को ठीक करने को कहा गया है, ठेकेदार को इस मार्ग को 3 साल तक खराब होने पर ठीक करने का ठेका भी दिया गया है। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आज हम मेरे साथ भाई संजीव जी और हम 5-7 लोग फेज 3 के फेज 2 से लोग हम आज ईओ साहब को मिले। हमने एक शिकायत पत्र दिया जिसमें फेज 3 के अंदर जितनी भी सीवरेज ओवरफ्लो होके बह रही है, सड़कों पर गंदगी का आलम मचा हुआ है, सारी नालियाँ चौक पड़ी हैं वहाँ पर। हमने 10-10 बार टेलीफोनिकली या अपने IPH के जेई को ईओ साहब से बात होती थी, ये बोलते जेई से बात करो, क्योंकि IPH के अंडर है जो नई अपनी सीवरेज है, जो इन्होंने जो IPH बलजीत जी है उनको फ़ोन करते हैं जेई साहब को, वो फ़ोन नहीं उठाते। हज़ारों बार इनको मौका ले जाके दिखाया, हमने वीडियो डाली है कि ये हाल है, जगह जगह पानी गिरा, सीवरेज फूट रही है हर जगह से, कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे तंग होकर लोग हमारे जो फेज 3 के बशिंदे हैं वो नरकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ पर, और इससे तंग आके लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग अपने मकान बेच के वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इतनी गंदगी का आलम, गंदगी सड़कों में बह रही है, जिसकी वीडियो मैं आपको अभी भेजूँगा, आपने इसके साथ संकलन कर देनी। ये हालात है वहाँ पर। सर ऐसा था, इन्होंने अपने जो चेयरमैन थे इनके पीछे नरेंद्र दीपा जी, उनको लाभ देने के लिए लगे हुए, इन्होंने 5 करोड़ के काम वहाँ पर लगवाए थे आनंद फानंद में, जो एक भी काम सही नहीं हुआ। नालियाँ की बुरी हालत है, डेढ़ी बिगी नालियाँ बनाई। अमरावती रोड पिछले लगभग 5 वर्षों में 6 वर्षों में 3 बार बन लिया, और उसकी आज भी हालत देखो कितनी खस्ता है। कोई भी काम क्वालिटी का नहीं हुआ। टाइल बोलते हैं कि IS मार्क का लगे, कोई टाइल वहाँ पे IS मार्क का टाइल नहीं लगी हुई है। जो भी काम हो रहे हैं उनकी ना ही क्यूब टेस्टिंग मटेरियल, कोई भी एक नंबर का मटेरियल नहीं लग रहा, सब सीमेंट में चोरी हो रही है या मटेरियल यूज़ हो रहा है। जो ठेकेदारों की, क्योंकि इन्होंने अपने ठेकेदारों को लाभ देने के लिए काम लगा दिया हुआ है, क्योंकि जो इनके जितने भी पार्टी के ठेकेदार हैं उन्हीं को काम मिल रहे हैं, जितनी भी ऑफलाइन काम मिल रहे हैं सब उनको दिए जा रहे हैं, उनको लाभ देने के लिए, ना कि जनता का फायदा करने के लिए। जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप फेज 3 में जाओ, तकरीबन जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं सब बंद पड़ी हैं जी, और जितने भी इन्होंने अभी पीछे हर तीसरे दिन लाइटें आ रही हैं, कोई लाइट नहीं लगी वहाँ पर। रिपेयरिंग का काम है तो रिपेयर हो रही है, कोई लाइट नहीं जल रही, इस टाइम बुरी हालत है जी वहाँ। यदि आज हमने ईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द शीघ्र इसको एक या दो हफ्ते के अंदर इन समस्याओं को मैक्सिमम निपटारा करेंगे। यदि इन लोगों ने हमारी समस्याओं को ऐसे ही दरकिनार किया, नाम इसका कोई भी हल सोल्यूशन नहीं निकाला, तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और फेज 3 के चौक पर बैठ जाएंगे, हम चक्का जाम भी करेंगे इसके लिए। हाउसिंग बोर्ड के बसिंदों को कई दिनों से बड़ी दिक्कत का सामना कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, हेल्पलाइन ग्रुप में नगर परिषद में डालने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। हम आभारी हैं अपने पार्षद सुरजीत चौधरी जी का, जिन्होंने हमारे कहने पर यहाँ ईओ साहब से आज मुलाकात की, एक ज्ञापन सौंपा उन्होंने अपनी तरफ से। और जो हाउसिंग बोर्ड में समस्याएँ हैं
जैसे हमारे फेस 1-2 में और 3 में कि सीवरेज की समस्या है, लाइटों की समस्या है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, क्योंकि लोगों के घर से डेली कूड़ा नहीं उठ रहा, बार बार कंप्लेंटें करने वाले भी पूरा नहीं होता था। आज भाई सुरजीत चौधरी के साथ हम ये नगर परिषद से मिले हैं और उसमें इनको साफ साफ बोल दिया है कि अगर इन समस्याओं का जल्द निवारण नहीं किया जाता तो हम धरने पर बैठेंगे। रही आपने कि पार्शलिटी हो रही है, तो ये इसमें तो कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तो सबने दिखता है कि पार्शलिटी है, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। व्यक्ति विशेष अगर फ़ोन कर देता है तो उसके बाद 3 उसके मैसेज आते हैं लोगों के कि हमने ये काम कर दिया। अगर हम 100 बार भी बोलें, चीखें चलाएं, तब भी कोई काम नहीं होता। इसके तो सामने है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, सामने है कि कोई काम जो है अब नहीं हो रहा। वार्ड नंबर 9 में एक तो ये भी बड़ा फैक्ट है कि शायद ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें समाज के जो अच्छे रिटायर्ड पर्सन थे, अच्छी पोस्टों से थे, जो बद्दी में बसना चाहते थे कि चंडीगढ़ के पास है और हाउसिंग बोर्ड को पॉश एरिया बोला जाता था, वो यहाँ के बसे, इसलिए भी इनकी नहीं सुना जाती कि इनको अभी तक बद्दी के जो अधिकारी हैं और जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं इनको बाहर का समझती हैं, क्योंकि उनकी कोई समस्या ना कोई समझना चाहता है, ना ही उसके प्रति कोई ध्यान देना चाहता है, ना उनको हल करना चाहता है। तो लोगों को बड़ा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी रिटायरमेंट के बाद यहाँ मकान लिया था, तो सभी तो चंडीगढ़ नहीं जा सकते, पछता रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग बोर्ड में पानी की है। हमने कई दफ़ा बोला कि पानी की समस्या है हाउसिंग बोर्ड फेस 1-2 में, पीने का पानी भी पूरा नहीं हो रहा। जो पानी आता है तो उसमें इतना गंदा पानी है कि ना उसमें चाय बनती है ना दाल गलती है। बिल्कुल सही है कि हाउसिंग बोर्ड के हमारे जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं सुरजीत जी और अन्य जो वहाँ उनके वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कुछ जो तकलीफ है लोगों को वहाँ पे, चाहे सीवरेज से है, चाहे हमारी क्लीननेस से है, या चाहे जो रोड्स की कुछ हालत जो है उनको इम्प्रूवमेंट करने की है, तो उस विषय पे इन्होंने जो है वो एक लेटर जो है वो नगर परिषद को दिया है, और नगर परिषद जो है वो पूरा प्रयास कर रही है, और थोड़ा बरसात की वजह से भी है, और जो सीवरेज नई सीवरेज पड़ी हुई है उसमें IPH डिपार्टमेंट से नगर परिषद बार बार अनुरोध कर रही है कि जो भी चैम्बर्स में कहीं बजरी या कुछ ऐसे ब्लॉकेज हो गई उनको ओपन कर दें। और आपने देखा होगा हाउसिंग बोर्ड में हम डोर टू डोर का जो सीवरेज का जो कनेक्शन है, हर घर से सीवरेज का कनेक्शन, उसकी शुरुआत नगर परिषद ने कर दी है। तो पूरे 9 वार्डों में हमारा अनुरोध है कि जहाँ पे सीवरेज बिछ गई है उसके लोग जो हैं अपना अपना फॉर्म भरें और उसका सीवरेज का कनेक्शन लें। जहाँ तक इनकी डिमांड का प्रश्न है, तो नगर परिषद ने कुछ हाउसिंग बोर्ड में जो है रोड्स के अंदर इंटरनल जो स्ट्रीट्स हैं उनमें टाइल लगा रहे हैं, जैसे दशहरा ग्राउंड के सराउंडिंग में आपने देखा है वहाँ पे टाइल्स का काम है। जो हमारा अमरावती रोड है उसमें हमने पत्र लिख दिया है, 3 ठेकेदार हैं जिसमें बिच्छूमैन का काम हुआ है, उनको 3 साल तक उसको मेंटेन करना था, तो उनको भी लिखा गया, और भी अतिशीघ्र जो है जो सड़क में खड्डे पड़े हैं उनको वो भरने का काम, रिपेयर मेंटेनेंस का करेंगे, और चरणबद्ध तरीके से ये सारे काम जो है नगर परिषद प्रायोरिटी पे कराएगी।